कि टू आइडेंटिकल सॉलिड हेमिस्फीयर्स ऑफ इक्वल बेस, ध्यान दें, टू आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे सॉलिड हेमिस्फीयर्स हैं, ठीक है, तो एक जैसे सॉलिड हेमिस्फीयर्स हैं अगर, तो आइए बना लेते हैं बच्चों, ये रहा आपका फर्स्ट सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक, और ये देखिए यहां पे हम आपको सेकंड दिखा रहे हैं सॉलिड हेमिस्फीयर, दोनों के रेडियस क्या है, सेम है, दोनों एक जैसे हैं, थोड़ा छोटा बड़ा अगर आपको दिख रहा हो यहां फिगर में तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है, ये आइडेंटिकल है, एक जैसे ही हैं, दोनों का साइज शेप सब कुछ सेम है, दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, ठीक है। अब क्या किया जाता है, दोनों का रेडियस कितना है, आर है, ठीक। अब सुनो, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, इन्होंने आपको क्वेश्चन में क्या बोला, आर स्टक टुगेदर अलोंग देयर बेसिस, इसका क्या मतलब है, आर स्टक टुगेदर अलोंग देयर बेसिस का मतलब समझते हो आप क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है, यहाँ पे ये वाले देखिए, ये बेस है ना इसका सर्कुलर बेस, और ये इसका सर्कुलर बेस है, तो यहाँ पे ऐसा फेविक्विक लगाया और इन दोनों को ऐसा चिपका दिया, तो जब इन दोनों को ऐसा स्टक कर देंगे, चिपका देंगे, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक। अब जब ये आपके पास ऐसा यहाँ पर आपको मिलेगा, तो इन्होंने आपसे बोला था टोटल सर्फेस एरिया, इन दोनों को स्टक कर दिया तो आपको ये मिलेगा, द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 6πr², ये जो कॉम्बिनेशन आपको मिला है, क्या इसका एरिया 6πr² होगा, तो जवाब है नहीं, इसका एरिया तो कितना होगा, इसका एरिया तो कितना होगा, इसका रेडियस देखो अभी भी कितना होगा, r होगा, अगर इन दोनों के रेडियस r आ रहे हैं तो उसका भी रेडियस r होगा, और हमें पता है स्फीयर का तो टोटल सर्फेस एरिया कितना होता है, 4πr² होता है, तो इनका स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। आइए हम इसको थोड़ा सा और आपको क्लियर करते हैं, सुनो, देखो बच्चों, अभी ये स्फीयर रखा हुआ है, ठीक, तो इस स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पूरे स्फीयर का कितना होता था 4πr², तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr² को 2 से डिवाइड करो, तो ये वाला जो पोर्शन है इसका कर्व वाला, ये हो जाएगा आपका 2πr², ठीक, और बेस का एरिया कितना हो जाएगा, बेस भी तो है इसका सर्कुलर बेस, तो बेस का एरिया कितना हो जाएगा, πr², तो इसका टोटल सर्फेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² प्लस πr² कितना हो जाएगा, 3πr², इसी तरीके से नीचे वाले का भी कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 3πr², क्यों, क्योंकि दोनों के रेडियस सेम है, तो इसका भी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, कर सरफेस एरिया कितना है 2πr², बेस का कितना है πr², तो टोटल कितना हो गया 3πr², तो वो आपसे क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कहीं कोई स्टूडेंट ऐसा ना कर दे कि दोनों को जब हमने स्टक कर दिया तो ये वाले हेमिस्फीयर और ये वाले हेमिस्फीयर का आप टोटल सरफेस एरिया जोड़ लें, यानी कि 3πr² प्लस 3πr² और आंसर क्या बता दें, 6πr², रॉन्ग, क्यों, क्योंकि ध्यान दें स्टूडेंट्स, जब हम इसको ऐसे चिपका देंगे, ठीक है, तो इसका हमको कर्व सरफेस एरिया 2πr² था और बेस का एरिया कितना था πr², तो हमें टोटल सरफेस एरिया कितना मिल गया 3πr², जब हम इसको ऐसे चिपका देंगे तो जो पोर्शन मैंने क्या किया, शेड किया है, ठीक है, वो तो हट जाएगा, वो तो चिपक गया, अगर हम आपको पेंट करने के लिए बोलेंगे इस स्फीयर पे, तो यहां घुस के थोड़ी ना अंदर पेंट कर दोगे, तो चिपक गया, पेंट कहां करोगे, केवल ये वाले कर्व पे और ये वाले कर्व पे, ठीक, तो जब दोनों को हमने स्टक कर दिया तो ये वाले बेस का एरिया हट गया, यहाँ पेंट नहीं कर सकते हो πr² पे और यहाँ भी पेंट नहीं कर सकते हो πr² पे, तो कितना बचा 2πr² प्लस 2πr² कितना बचा 4πr², कोई डाउट है, इसलिए इनका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ओके, तो कर लीजिए।